पंजाब चौधरी सरवर ने एचिसन कॉलेज का बोर्ड ऑफ गवर्नर तहलील कर दिया। साबिक सूबाई वजीर खजाना आयशा गौस पाशा डॉक्टर जफर इकबाल कुरैशी साबिक VCIT यूनिवर्सिटी डॉक्टर उमर सैफ और दीगर बोर्ड में शामिल थे। बोर्ड को क्यों तहलील किया गया जान लेते हैं सैयद सज्जाद कासमी से। सैयद सज्जाद कासमी बताइए बोर्ड तहलील क्यों किया गया? जी निजामी साहब, असल में गवर्नर पंजाब ने एचिसन कॉलेज का बोर्ड तहलील कर दिया। उसकी जो बड़ी वजह है वो एक सियासी बसीरत समझ लें या सियासी असर सुख समझ लें जो कि नई आने वाली हुकूमत एचिसन पे रखना चाहती है। आपने देखा कि जो मेम्बरान की हमने लिस्ट जारी की है, जो बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेम्बरान थे उसमें चारों सूबों के सियासतदान और पंजाब के अंदर से बड़ी बड़ी शख्सियात शामिल थी। इस हवाले से अगर देखा जाए तो जो नई गवर्नमेंट आई है गवर्नर चौधरी प्रसाद साहब की PTI, वो अपने मेम्बरान को अब बोर्ड बनाएगी और इस पर मुश्तमल बोर्ड को तश्कील देगी। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि बोर्ड के अंदर सूबाई वजीर आयशा गौस पाशा जो सबक वजीर थी, डॉक्टर जफर इकबाल कुरैशी सबक VCIT यूनिवर्सिटी, डॉक्टर उमर सैफ जिसको सियासी असर सुख की वजह से जिनको ITU में फारग किया गया था, इसी तरह बोर्ड के गवर्नर के मेम्बरान में फारगुल तहसील में आतफ बाजवा, आरफ सईद, सैयद शौकत हुसैन, सिंध से जुबैर सुमरू, खैबर पख्तूनख्वा से सैनेटर अब्बासी खान अफरीदी, बलोचिस्तान से खालद मक्सी भी मेम्बरान में शामिल थे और लाहौर से देखा जाए तो ख्वाजा अहमद हसान, अवैस लगारी, सैनेटर।